अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं कढ़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कटोरी ले लिया है बेसन, उसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक लहसुन और दो प्याज का पेस्ट, और इसमें ऐड कर देंगे ये 2 से 3 दिन पुरानी छाछ। इसके जगह आप दही भी ले सकते हो और इसे मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक इसके सारे लम्ब्स निकल ना जाए और ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर ना बन जाए। 3 से 4 मिनट तक इसे कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है जिससे इसके सारे लम्ब्स निकल जाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये बन गया है बिल्कुल स्मूथ, इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं रहा है। और अब एक खुले बर्तन में इस बैटर को ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 4 बॉटल भर के पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन और इसे पकने के लिए गैस पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है ताकि ये बेसन नीचे ना लग जाए। अच्छे से इसे मिक्स करते हुए पका लेना है। अगर इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो सारा बेसन नीचे चला जाएगा, तो इसलिए हमें इसमें चम्मच तब तक चलाना है जब तक ये एक बार बॉयल ना हो जाए। और जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 1 स्टील की कटोरी और गैस की फ्लेम को लो करने के बाद इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए पकने के लिए साइड पर छोड़ देंगे। और अब बना लेंगे इसके पकौड़े। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 से 5 चम्मच बेसन। बेसन को स्ट्रेन ज़रूर कर लेना यूज़ करने से पहले। बेसन के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, बेकिंग सोडा, हरा धनिया, आप इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। पानी ऐड करने के बाद इसे मिक्स करके इसका भी एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। और पैन में ले लेंगे ऑयल, उसे गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम पर कर देना है। और अब पकोड़ों को कर लेंगे फ्राई। एकदम से इनमें चम्मच नहीं चलाएंगे, एक साइड से पकने के बाद ये खुद ही घूम जाती हैं ताकि दूसरी साइड से पक जाएँ। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद ये अच्छे से अपने साइड से डबल हो जाएंगे। अब चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए अंदर तक। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं साइड पे हम अपनी कढ़ी को भी देख लेते हैं कि वो कितनी पक गई है। और यहाँ पर इसकी फोम बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, और यहाँ पर तो इसकी फोम बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है और ये कढ़ी बनकर हो गई है रेडी और ये थिक भी हो गई है। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे और साइड में देख लेंगे पकौड़ों को कि वो कितने बन गए हैं। आप इस बेसन के बैटर में आलू और प्याज भी ऐड कर सकते हो, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर सारे पकौड़े बन गए हैं और अब यहाँ पर कर लेंगे तड़के की तैयारी। एक प्याज ले लिया है, उसे बारीक स्लाइस कट कर लेंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, और अब इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। कढ़ी को पकते हुए 65 मिनट हो गए हैं और ये तैयार हो गई है बिल्कुल, आधी से ज़्यादा रह गई है थोड़ी। अब यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे बने हुए सारे पकोड़े। पकोड़ों को ऐड करने के बाद इसमें सिर्फ 1 बॉईल आने तक इसे पका लेना है। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छे से और सिर्फ 1 बॉईल आने तक इसे पका लेंगे। और अब यहाँ पर पैन में ले लेना है वही ऑयल, उसमें ऐड कर देंगे सूखा धनिया, ज़ीरा और प्याज। अच्छे से इतने डार्क गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सूखी मिर्च और ये ऐड कर देंगे कढ़ी में और ऊपर से गार्निश कर देंगे हरा धनिया के साथ। और ये कढ़ी बनके तैयार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।